कहते हैं दोस्तों, विचार बदलने से जीवन बदला जा सकता है। इफ यू कैन चेंज योर थॉट, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ, डाकू उंगली माल की। आपने सुना होगा, जैसे गब्बर से बच्चे डरते थे, वैसे एक समय था डाकू उंगली माल से लोग डरते थे। मगध राज्य में सोनापुर नाम का एक गांव था, वहां पे डाकू उंगली माल ने दहशत फैला करके रखी थी। दोस्तों, मगध राज्य का जो राजा था वो बिंदीसार था। बिंदीसार के साथ उंगली माल का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, उस आर्ग्यूमेंट की वजह से उंगली माल ने शपथ ली थी, प्रण लिया था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और उनकी उंगलियों की माला बनाऊंगा, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा था। लोगों को मारने के बाद वो उनकी उंगलियों की माला बनाया करता था। ध्यान से सुनना स्टोरी को, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली सोनापुर के गांव के जो लोग थे वो दिन को काम करते थे और शाम होने से पहले पहले घरों के अंदर जाते थे, जब तक सुबह नहीं होती थी तब तक घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दोस्तों, उंगली माल सोनापुर गांव के बगल में एक जंगल था, उस जंगल की पहाड़ी और गुफा में रहा करता था। दिन को जंगल में घूमता था और रात को गांव में आ जाता था। सोनापुर में गांव के कोई भी लोग बाहर निकलते थे उनको वो मार देता था, काट देता था। जंगल में दिन को कोई भी लोग जाते थे उनको लूटता था, लूटने के बाद उनको मार देता था। दोस्तों, सभी लोग बहुत परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिलेगा। फिर एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध एक दिन उस गांव में गए और गांव के सभी लोगों ने महात्मा बुद्ध को आते हुए जब देखा तो सारे लोग खुश हो गए और बुद्ध की सेवा में जुट गए। बुद्ध ने लोगों के मन में एक दहशत का माहौल देखा। जब दहशत का माहौल देखा तो बुद्ध ने उस डर का कारण जानने की कोशिश की। लोगों ने बुद्ध को उंगली माल के बारे में बताया कि हमारा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और इस जंगल में कभी हम जा नहीं सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध रात को उस गांव में रुकते हैं और सुबह होते ही जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं। जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे, लोग उसको रोकते हैं। महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा जी, जंगल की ओर मत जाइए, जंगल में सिर्फ उंगली माल की माता जी जाती थी। अब उसने भी जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उंगली माल ने 999 लोगों को मार दिया है और एक लास्ट व्यक्ति बचा हुआ है जिससे उसका प्रण पूरा होगा। अब उसकी मां भी नहीं जा रही है जंगल में, क्योंकि वो सोच रही है कि कहीं 1000वां शिकार वो उसको ही ना बना दे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शायद हो सकता है आज उसको मेरी जरूरत हो। तो महात्मा बुद्ध उनकी बात को ना मान करके जंगल की ओर चले जाते हैं। जब उंगली माल किसी एक व्यक्ति को जंगल की ओर आता देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि आज तो मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, 1000वां शिकार अपने आप ही मेरी तरफ आ रहा है। और वो अपना खटर निकालता है, जो तलवार होती है उसके पास, उसको शार्प करता है और शार्प करके खड़ा हो जाता है अपनी गुफा के बाहर। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध नजदीक पहुंचते हैं तो उसका जो दिव्य प्रकाश होता है, जो तेज होता है, ऑरा होता है, उसको सहन नहीं कर पाते, उसके हाथ और पांव कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ही दूरी में बुद्ध थे और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उंगली माल ने कहा कि सन्यासी वहीं पे रुक जाइए, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू वापिस चला जाए यहां से। तो बुद्ध उसकी बात नहीं मानते, बुद्ध चलते रहते उसकी आंखों के सामने से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, जब बुद्ध आगे आगे जा रहे हैं, उंगली माल की बात नहीं मान रहे हैं, तो उंगली माल के अंदर से एक ज्वाला भड़क जाती है और जोर से आवाज लगाता है कि सन्यासी रुक जा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तू मेरी बात नहीं मान रहा है। बुद्ध रुकते हैं, मुड़ करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तू कब अपनी अहिंसा को रोकेगा। और उंगली माल गुस्से से कहता है, सन्यासी तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? मगध राज्य के सभी लोग मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरे साथ जुबान लड़ाने की कोशिश नहीं करता है, तेरे में कैसी हिम्मत कि तू मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध ने कहा कि तू इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं कैसे मान लूं, इसके लिए तुझे साबित करके दिखाना पड़ेगा। तो उंगली माल गुस्से से बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा बता। तो महात्मा बुद्ध बोलता है, दोस्तों कि सामने एक पेड़ है, वहां से एक पेड़ की टहनी काट करके ला। उंगली माल बोलता है, बस इतनी सी बात, पेड़ की टहनी क्या, मैं तो पूरा पेड़ ही काट करके ला सकता हूं। बुद्ध ने कहा, पेड़ नहीं काटना है, सिर्फ एक टहनी काट करके ला। उंगली माल चला जाता है, अपनी तलवार निकालता है, उस टहनी को काटता है और बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते हैं, सोचते हैं मन में कि आखिरकार बात तो मान रहा है, इसके बदलने की संभावना पूरी पूरी है। जब उंगली माल टहनी काट करके लाता है, बोलता है, लो। अब बुद्ध बोलता है कि अब इसको दोबारा से वहां पे जोड़ करके आ। उंगली माल बोलता है, बेवकूफ है क्या सन्यासी, कैसे कटा हुआ कभी क्या जुड़ सकता है दोबारा से। बुद्ध बोलते हैं, यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं, काटना तो किसी को आसान है, मारना तो किसी को आसान है, पर उसको जीवन देना बहुत मुश्किल है। अगर तू किसी को जीवन नहीं दे सकता है तो तुझे काटने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये बात तो उंगली माल को अंदर से झिंझोड़ करके रख देती है
और उंगली माल के आंखों में आंसू आते हैं और गले से जो उंगलियों की माला होती है वो बुद्ध की शरणों में डाल देता है और रोना शुरू कर देता है। बुद्ध उसकी बात नहीं मानता है, बुद्ध आगे आगे चलता है। उसको पता था बुद्ध को कि मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। आगे आगे बुद्ध और उंगली माल पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामी, बुद्धम शरणम गच्छामी, और बुद्ध की शरण में चला जाता है। शिष्य बनाने से पहले महात्मा बुद्ध ने उसको सोनापुर गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेजा। उसी गांव में भिक्षा मांगने गया जिस गांव के बहुत सारे लोगों को उसने काटा था, मारा था। लोगों ने भिक्षा के बदले में बहुत सारे डंडे और पत्थर उसके ऊपर बरसाए और खून से उसको लहूलुहान कर दिया। जब खून से लहूलुहान होकर के वापस बुद्ध के पास आया, बुद्ध ने उसके हाथ पकड़े और स्पर्श करते हुए कहा कि पीड़ा हो रही है बहुत। तो उंगली माल कहता है कि पीड़ा तो मन को होती है, डंडे और पत्थर तो शरीर में लगे हैं, मन तो आप अपने साथ ले गए हैं। और दोस्तों बाद में जो उंगली माल था वहां गांव में रहा और गांव में लोगों की सेवा करने लगा और बहुत समय के बाद वो अहिंसा के नाम से उस गांव में प्रसिद्ध हुआ और एक बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। अब इमेजिन कीजिए, अगर एक आदमी 999 मारने के बाद, इतना बड़ा डाकू होने के बाद सन्यासी बन सकता है, तो आपकी फैमिली में, आपके आसपास में कोई बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान क्यों नहीं सुधर सकता है? आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नकारात्मक आदतों में पड़ा है, नेगेटिव हैबिट्स में पड़ा है या बुरी आदतों का शिकार हो चुका है, वो आदमी भी सुधर सकता है। उसको अच्छे आदमी की संगत में लेकर के जाएं या अच्छे लोगों के बीच में लेकर के जाएं। जरूरत है उसको एक अच्छे इंसान तक ले जाने की, जरूरत है उसको अच्छी किताबों तक पहुंचाने की, जरूरत है उसको एक अच्छे विचार को अडॉप्ट करने की। जिस दिन वो अच्छा विचार उसके मन में आ गया वो डेफिनेटली बदलेगा। इसीलिए सकारात्मक सोचते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। यही मैं भगवान से दुआ करता हूं, यही मैं मंगल कामना करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को शेयर लाइक जरूर कीजिए। कमेंट तो एक बनता है, आपका एक कमेंट मुझे और नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।